हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में स्टूडेंट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के बारे में। स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। स्टूडेंट, ये मेथड इतना ईजी और इतना बेसिक यहाँ पर मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर की, देखिए आज हम डिफरेंशियल ऑर्डर को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। और स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ, यहाँ से एग्जामिनेशन में हर दूसरे साल देखिए 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा, वीडियो में 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, तो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को। स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे, कि यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव टर्म है, यहाँ पर देखिए ये डेरिवेटिव टर्म है और इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ, ये क्या है, इक्वेशन है। और कितने ऑर्डर की इक्वेशन है ये, ये है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर ये किस कैसी इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है। तो स्टूडेंट चलिए इसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मैं आपको बता दूं। और ये एग्जाम में आ भी रखा है, देखिए ये एग्जाम में आ भी रखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे विधि का नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पर आप एक्स के वेरिएबल को अलग लिखेंगे और वाई के वेरिएबल को अलग करेंगे। कैसे स्टूडेंट, जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है dy/dx = 1 + y² / 1 + x². तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसको आप लिखेंगे dy/1 + y² = dx (1 + x²). इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर देखिए वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, जो y के वेरिएबल थे जैसे 1 + y², जो एक साथ थे, इनको अलग कर दिया, और जो ये एक्स के वेरिएबल है इसे आपने अलग कर दिया। तो स्टूडेंट अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड यदि आप समाकलन कर देंगे तो देखिए क्या होगा, तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट आप इसको कर देते हैं, इंटीग्रेशन आप यहाँ पर अगर लगा देते हैं इसमें, अगर यदि आप इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को, तो क्या होगा स्टूडेंट, इस ये आप किसका फार्मूला है, 1/(1 + y²dy), ये आपका फार्मूला है स्टूडेंट tan इनवर्स y का। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये भी देखिए 1/(1 + x²dx), किसका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला tan इनवर्स x का। और साथ में आप क्या लगाएंगे, कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट हमेशा आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, जिसमें लिमिट नहीं दी होती जिस इंटीग्रेशन में, उसे इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और स्टूडेंट इनडेफिनेट इंटीग्रल में आप क्या करते हैं, कांस्टेंट को लगाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, नेक्स्ट पेज पर देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट देखिए tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट आप यहाँ पर लेंगे स्टूडेंट। तो ये कांस्टेंट को भी आप इसी टर्म में लें, ये कांस्टेंट भी स्टूडेंट आप देखिए इसी टर्म में लें, tan इनवर्स के टर्म में लें, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स c लिखें, इस कांस्टेंट को भी tan इनवर्स c लिखें, क्योंकि देखिए अभी कुछ टर्म जो हैं एक साइड आ जाएंगे, फिर आप इजीली इसको समझेंगे। देखिए इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स c, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, अब यहाँ पर और ये हो जाएगा tan इनवर्स c। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, देखिए इस चीज़ का यहाँ पर एक फार्मूला होगा स्टूडेंट, देखिए tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर देखिए y पहले है, यहाँ पर अगर y पहले है, तो ये फार्मूला होगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन में 1 + xy, एक फार्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, इस फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे, इस फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए देखिए क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको एक और फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, जो बराबर होता है tan इनवर्स y माइनस x अपॉन में 1 + xy के। तो देखिए तो यहाँ पर आप इसकी जगह ये यूज़ करेंगे, तो आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस x 1 + xy,
यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स सी। अब देखिए टेन इनवर्स दोनों साइड है, ये आप कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा वाई माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो ये आपका जो है आंसर है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आंसर है। तो ये 10 नंबर हो गए आपके पक्के। कुछ नहीं किया स्टूडेंट आपने, क्या किया मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन कर दिया वेरिएबल को, जो डी वाई के जो टर्म था उसको एक साइड लेकर आ गए आप इस साइड, और जो डी एक्स का टर्म था डी एक्स को आप यहाँ ले गए, इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया सेपरेट कर दिया वेरिएबल्स, आपने वेरिएबल्स को क्या कर दिया सेपरेट कर दिया, ध्यान रखिएगा अपने वेरिएबल्स को क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्लैरिटी आती जाएगी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ये देखिए sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए लिख लेते हैं इसको सही से, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy। ये टर्म यहाँ प्लस की है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, जब आप इसे इक्वेशन के साइड ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट देखिए sec स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dy, इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, जो x के टर्म है उनको एक तरफ लेकर आएंगे, जैसे ये x का टर्म इधर है तो इस x के टर्म को आप यहाँ लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन में tan x यहाँ पर dx, और ये tan y को आप इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइन इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन में tan y। बस स्टूडेंट यही आपने देखिए वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप दोनों साइड आप क्या करें इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा देखिए, इंटीग्रेशन यहाँ पर ही मैं इसमें अलग करके लिख देता हूँ, चलिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन में tan x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y tan y dy। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन की बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी लगने वाली है कि जो देखिए जो आपका डिनोमिनेटर है जो आपका हर है इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका किस में आ रहा है न्यूमिरेटर में, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, और tan y का क्या होता है sec स्क्वायर y। तो इसको आप लिख सकते हैं देखिए, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर कभी ऐसा हो तो इसको लिखते हैं log, जो आपके किस में हो डिनोमिनेटर में, तो log tan x इज इक्वल टू log tan y, और जो कांस्टेंट आप यहाँ पर लेंगे इसको भी log के टर्म में ले लें, यह माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का निशान है यहाँ पर, बिल्कुल ये माइनस का आएगा यहाँ पर माइनस। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log c, अब इस tan y को आप इधर लेकर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा log tan x प्लस log tan y इज इक्वल टू log c। अब यहाँ पर आप log की एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी यूज़ करें, log a प्लस log b क्या होता है log a b, तो log tan x इंटू tan y इज इक्वल टू log c, log से log आप कैंसल आउट कर देंगे, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर tan x इंटू tan y, tan x इंटू tan y। ये देखिए ये वैल्यू आ गई देखिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की, देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। इसमें भी स्टूडेंट आपने क्या किया सेम चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, x के वेरिएबल एक तरफ y के वेरिएबल एक तरफ, दोनों साइड इंटीग्रेट किया और आपका सीधा आंसर आ गया। देखिए ये करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी आएगी, जितने क्वेश्चन उतनी ज़्यादा क्लैरिटी। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x माइनस 3y माइनस 3y प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है देखिए, ये एक्स स्क्वायर है ई की पावर माइनस 3y बराबर, इसको आप लिख सकते हैं देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ई की पावर 3x इंटू
ई की पावर माइनस थ्री वाई इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू जैसे है वैसे लिख दीजिए इसे, ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आप वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, ई की पावर माइनस थ्री वाई, तो ई की पावर माइनस थ्री वाई बाहर ले लेंगे, अंदर आ जाएगा ई की पावर थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आएगा अभी, तो यहाँ पर क्या होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करें स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो y के टर्म है इसको आप इधर लेकर आ जाएंगे और ये डी एक्स को आप इधर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि ये x वाले टर्म में है तो x के वेरिएबल एक साथ और y के वेरिएबल एक साथ कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट, इक्वेशन बन जाएगी आपकी डी वाई ई की पावर माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आएगा स्टूडेंट। देखिए अब देखिए इसके बाद ये आ गया, अब इसके बाद स्टूडेंट इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ई की पावर थ्री वाई डी वाई, क्योंकि पावर माइनस में ऊपर आ जाएगी प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पर ई की पावर थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा इसमें दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो ई की पावर देखिए थ्री वाई का जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ई की पावर थ्री वाई का जब आप देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा ई की पावर थ्री वाई अपॉन में थ्री इज इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स अपॉन में थ्री, और जब आप एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा एक्स की क्यूब अपॉन में थ्री प्लस कॉन्स्टेंट स्टूडेंट। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप एलसीएम भी इसका ले सकते हैं, एलसीएम आप ले सकते हैं दोनों साइड यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे ई की पावर थ्री वाई ई की पावर थ्री एक्स प्लस एक्स की क्यूब प्लस थ्री सी, तो यहाँ पर देखिए जो तीन तीन आएगा नीचे वो दोनों में कट जाएगा इस तरीके से, तो ये भी आपका देखिए एक आंसर है, ये भी स्टूडेंट आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, देखिए ये भी आंसर है आपका, ये ध्यान रखिएगा ये भी आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, हमने क्या किया सेपरेशन किया वेरिएबल को सेपरेट किया है बस, ये ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार दोबारा से क्या किया आपने, डी वाई अपॉन डी एक्स था ई की पावर माइनस, यहाँ पर आपने यहाँ पर ई की पावर थ्री एक्स माइनस थ्री वाई को आपने अलग अलग करके लिख दिया, फिर दोनों में से कॉमन लिया, फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप देखिए किस तरह प्रकार से देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके पास सॉल्यूशन करते हैं, देखिए सॉल्यूशन डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन है हर में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा वाई प्लस वन, और इधर तो पहले से ही क्या है वाई प्लस वन है, यहाँ तो पहले से ही क्या है वाई प्लस वन, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके देखिए दो फैक्टर आ गए, इसके आगे आप वन भी लिख सकते हैं बिल्कुल, तो दो फैक्टर आ गए आपके पास एक्स प्लस वन और y प्लस वन इज इक्वल टू लिख देंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर रख देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो आपका x प्लस वन है, जो आपका देखिए x प्लस वन है इसके साथ ये डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और x प्लस वन ये y प्लस वन नीचे आ जाएगा, जैसे कैसे ये मैं आपको बताता हूँ, वेरिएबल को आप सेपरेट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में y प्लस वन और x प्लस वन डी एक्स, ये आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये देखिए बहुत ही इजी है इंटीग्रेशन यहाँ पर करना, वन अपॉन यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन डी वाई वन अपॉन वाई प्लस वन, तो ये तो बहुत आसान है, ये भी वही आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जब आप देखिए डिफरेंस, जब आप ये डिनोमिनेटर जो है इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा वन आएगा,
वन आएगा जो कि न्यूमिरेटर में है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसके डिफरेंस इंटीग्रेशन को आप लिखते हैं लॉग 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 वाई प्लस वन, लॉग वाई प्लस वन, और इस साइड है आपका इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी, और यहाँ पर आएगा लॉग वाई प्लस वन। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ख़त्म। इसके आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते क्वेश्चन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट जो कि ईजी हैं, जो कि क्या हैं, जो क्या हैं स्टूडेंट, ईजी हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार, बहुत बार पूछे गए हैं, और मैंने आपको चार क्वेश्चन कराए अलग अलग टाइप के, बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हैं, ये देखिए, कुछ नहीं करना, एक्स के वेरिएबल को अलग, वाई के वेरिएबल को अलग, इसमें भी आपको एक्स के वेरिएबल को अलग और वाई के वेरिएबल को अलग करके लिखना है। यानी यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स अलग हो जाएगा, और ई की पावर वाई प्लस वन और ई की पावर वाई को आप अलग कर लेंगे। तो दोनों के आंसर भी आप देखिए ये हैं, अगर आंसर आपके सही आते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली वीडियोस देखिए। आई होप आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की इससे पहले भी वीडियोस देखी होगी, जिसमें हमने बेसिक ऑर्डर एंड डिग्री की बात की थी, जो हमेशा दो मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। आज जो क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एज़ पर गिवन आईडी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।